दोस्तों आज मैं आपके लिए दुबई में बनाई जा रही पानी के नीचे चलने वाली ट्रेन से लेकर कुछ ऐसे शानदार आविष्कार लेकर आया हूँ जिन्हें देखकर आपके होश उठ जाएंगे। डायनामिक टावर। दुबई में बनाया जा रहा ये टावर आज तक किसी भी बिल्डिंग में लगाई गई सभी टेक्निक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसे आप रोटेटिंग टावर के नाम से भी जानते हो या फिर उसे पुकार सकते हो, जिसकी बिल्डिंग के हर एक फ्लोर को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, जिसे 360 डिग्री घूमने में करीब 90 मिनट लगते है। चाहे तो आप अपने घूमने की रफ्तार को कम और ज्यादा कर सकते हो। हाइपर लूप अंडर वाटर। अगर आप ट्रेन की रफ्तार की बात करते हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो है बुलेट ट्रेन का, लेकिन दुबई में उससे भी तेज अंडर वाटर हाइपर लूप ट्रेन बनाई जा रही है, जिसके बाद आप दुबई से इंडिया का रास्ता केवल 2 घंटे में पूरा कर लोगे। समुद्र के ऊपर तैरता ये फ्लोटिंग ब्रिज दुनिया की सबसे तेज ट्रेन को चलाने के लिए बनाया गया है। दुबई इस तरह के और भी ट्रेक अपने शहर के कई हिस्सों में और बनाएगा। अलादीन सिटी। दुबई अपने आप को फ्यूचर की सबसे एडवांस्ड सिटी बनाने वाला है, इसीलिए वो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन ही नहीं बल्कि पानी पर भी कई ऐसे आलीशान इमारत बना रहा है जिन्हें देखकर आपके होश उठ जाएंगे। असल में दुबई अपने कल्चर स्टार अलादीन के नाम से एक ऐसी यूनिक इमारत बना रहा है जो 3 हिस्सों में बनाई जाएगी, जहां आपको होटल, ऑफिस, यहां तक कि रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। वहीं तीनों टावर को कनेक्ट करने के लिए फ्लोटिंग ब्रिज भी बनाया गया है। वर्ल्ड आइलैंड। आपने प्रकृति के द्वारा बनाए गए कई आइलैंड देखे होंगे, लेकिन दुबई दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े आइलैंड बना रही है, जो कि साइज में इतने बड़े हैं कि पूरा शहर इनमें समा जाए, जो आपको लग्जरी होटल से लेकर दुनिया के सबसे बेहतरीन वाटर पार्क की सुविधाएं देगा, जिसे बनाने में दुबई को 8 खरब से भी ज्यादा रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अगर आपको ये जानना है कि भविष्य में हमारी जिंदगी कैसी होगी तो आपको दुबई में बनाए जाने वाले इस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में जरूर जाना चाहिए, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे आने वाले समय में रोबोट हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे और कैसे वो हमारे लिए काम करेंगे या फिर सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे। यहां तक कि आपको इस म्यूजियम में भविष्य की बाइक, कार और आने वाले समय के हवाई जहाज भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक मिलेगा, जिसे देने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।